told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to... Morning everyone, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं गोल्डन बेल बैकपैकर्स में हूँ और अभी मैं निनबिन में हूँ और अभी मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे पार्क कर दी है गाड़ी और अभी उस तरफ जा रहे हैं बोट के लिए। टूरिस्ट बहुत ही कम है सो अच्छा है हमारे लिए आज। हैप्पी टुडे, वेदर भी कूल है। मुझे यही डर था कि रिवर में जाना है और बहुत ही गर्मी ना हो तो अच्छा हो। तरफ टिकट काउंटर है, यहाँ पे लाइफ जैकेट का है, द सीलिंग गोल्स। हेलो, वन टिकट अकेले जाते हो तो 270 यानी अराउंड 800 के आसपास कुछ होता है और शेयर करते हो तो 600 के आसपास होगा। सो इट्स बेटर टू वेट फॉर समवन, क्योंकि किसी के साथ जाओगी तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा ज़्यादा, क्योंकि 1.5 hours की पूरी टूर होगी। तो अभी मैं अकेले ही जा रही हूँ। तो अभी हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm so... Tamkok River mein hai aur Tamkok River specially boating ride ke liye hi famous hai. अभी लकीली मैं अकेली ही हूँ यहाँ पर जनरली इतना खाली नहीं होता है, बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, बट आई थिंक ये ऑफ सीज़न है तो इसलिए कम टूरिस्ट है। सो या आपको पूरी तमकोक रिवर पूरी देखने को मिल रही है, वरना पूरा बोटिंग से ही भरा हुआ होता सब। यहाँ पे ऐसा वो सेल भी करते हैं बाई बोट। नो नो नो, आई डोंट ड्रिंक। यहाँ पे सब कुछ वो रखते हैं। Buy something for her. You want? Okay. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. What an experience. ऐसा हो मन कर रहा है बस कि उसको नेचर को देखते ही रहे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी धूप निकल चुकी है तो हेड निकाल के अम्ब्रेला दे दिया है यहाँ पर इन्होंने। ये पूरी राइड 1.5 hours की होती है और मैक्सिमम 4 to 5 पीपल एक बोट में बैठ सकते हैं, बट 11 बजे थे और धूप में नहीं थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ, बिकॉज अकेली जाऊंगी और धूप नहीं होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। धूप होगी तो ऐसा अम्ब्रेला कर लेके बैठना पड़ेगा सो, और दूसरे का वेट भी करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा और बहुत कुछ। और डिफरेंस हो रहा था सिर्फ 200 समथिंग, तो आई डिड अ राइट डिसीजन आई थिंक, क्योंकि अभी मैंने सोलो ये बुक की है, 900 की हुई है मुझे, बट अगर मैं किसी के साथ गई होती तो 650 का होता, 450 रुपीज़ का डिफरेंस होता, बट इट्स ओके। एंड अकेले गई तो पूरी बोट मेरी है और व्यू एंड एवरीथिंग सब अकेले इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे, वर्थ द मनी। एंड वी रीच टू द पॉइंट। तो अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है निनबिन का, वहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ। यहाँ से 5 kilometers ही दूर है, आई थिंक वहाँ पर हाइकिंग करना होगा। सो देखते हैं क्या है सब कुछ। यहाँ पे सबको इंग्लिश नहीं आते है, उतने 1% भी नहीं आती है, सो उतना मुझे पता नहीं चला है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि कैसे जा सकती हूँ वो सब। मैं सिर्फ अभी सोच रही हूँ कि बाइक लेकर वहाँ पे ड्राइव करके जाती हूँ, अगर हाइक करना होगा तो कर लेंगे और क्या। तो अभी मैं यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे मैं आ तो गई हूँ,
बट मेरा फ़ोन में बैटरी डेड हो गई है, तो नीचे ही मैंने अभी चार्जिंग पे लगा दिया है। वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे चार्जिंग पे लगा दिया है और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। हेलो, इट्स अ व्यू पॉइंट, दैट इज व्यू पॉइंट। ओके, थैंक यू। और ये हैंग मुआ केव, हैंग मुआ, ये मुआ केव से भी जाना जाता है। तो भाई मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, 500 स्ट्रेस क्लाइम करना है व्यू के लिए। देखते हैं इतना क्लाइम करके क्या व्यू मिलता है। लगता है मैं गलत साइड आ गई हूँ, वहाँ से स्टार्ट किया था, उस तरफ जाना है। उस तरफ नीचे भी अच्छा बनाया है, वहाँ पर भी जा सकते हैं फ़ोटोशूट के लिए। देखो सब लोग अभी वहाँ पर ही है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। Wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could. So, आज मैं जा रही हूँ हनोई, और अभी मैं निनमिन में हूँ, और यहाँ से सिर्फ एक घंटे का रास्ता है। और मुझे आपको बताना था कि ये literally यहाँ पे transportation बहुत ही expensive है। सिर्फ एक घंटे का रास्ता है, मतलब अराउंड 100 किलोमीटर्स हो गए, और वो चार्ज कर रहे हैं मुझे 650 to 700 रुपीज़, जो चलती रहती है वन आवर पर। सीट्स एंड एवरीथिंग, पैसे भी तो वैसे ही दिए है। हॉस्टल में मैंने चेक इन कर लिया है, और दिस इज माय डोम, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और ये पूरी बिल्डिंग हॉस्टल ही है, दो तीन प्राइवेट रूम होंगे बस। पर रेस्टोरेंट एंड बार है, फ्री ड्रिंक्स अवेलेबल होता है हैप्पी आवर्स में, मॉर्निंग में फ्री ब्रेकफास्ट देते हैं, एंड एवरीथिंग इज इन अराउंड 400 to 440 रुपीज़ ओनली। और हॉस्टल का नाम है सेंट्रल बिग पिकर्स हनोई। तो अभी मैं करेंसी एक्सचेंज के लिए गई थी, जियांग सन ज्वेलरी शॉप है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रेट दिया, 100 USD का उसने मुझे दिया, 23,80,000। दूसरे से बेटर रेट दिया है। I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. अभी हम यहाँ पे आए, स्प्रिंग मार्केट बोलते हैं इसको और चुदंग मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो, जैसे हो ची मिन्ह सिटी में मार्केट थी वैसे ही यहाँ पर है, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं एग कॉफी ट्राई करने के लिए। Okay, we have to mix it like this. Yeah. I am experimenting, guys. Yeah, it's ready. Ready to drink? It's good. Yeah, it's good. It's good. Good and थोड़ा strong है, but अच्छा है। Experimental था, but मज़ा आया try करके। अच्छी थी वैसे, इतनी बुरी भी नहीं थी। जो कॉफ़ी लवर्स है उसको मज़ा आएगा। तो अभी हम लेक पे आ चुके हैं, ये तो अभी डे टाइम है, यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रही है नाइट मार्केट के लिए। स्टेज बना रहे हैं वो लोग, और रात मतलब वीकेंड्स पे ये वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है, जा नहीं सकते आप, ड्राइव नहीं कर सकते हो। This stick is for? So, अभी हम लास्ट स्टॉप पे आ गए हैं, ये चर्च पे जो हमारा लास्ट स्टॉप है। सो अभी यहाँ से हम सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, मतलब किसी को खाने जाना है तो चला जाएंगे, और मैं अभी जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। सो अभी हम 693 करके बहुत ही फेमस है वियतनाम में फॉर अ डेजर्ट, तो हम वहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे हमने अभी मैंगो कोकोनट आइसक्रीम हमने ऑर्डर की है, और
This coconut avocado हमने order किया है, so let's try how it is. And अभी मेरे साथ है, I know. Okay, so this is the avocado. Let me try mango now. तो चलिए गाइस, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.